डोगरा पैरामेडिकल गुरुकुल लाया है 10वीं-12वीं पास लड़के लड़कियों के लिए पैरामेडिकल कोर्सेज, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी एंड नैनी केयर। मिले डोगरा पैरामेडिकल गुरुकुल, ऑपोजिट लाजवंती कॉम्प्लेक्स रोड, SJS नगर, होशियारपुर। कॉल 9872754031। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने धर्मशाला में G20 समिट को लेकर कहा कि 19 व 20 तारीख को बैठक रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू को लेकर प्लान के तहत जवानों की तैनाती की गई है। इसमें 500 जवानों को तैनात किया गया है, जबकि ट्रैफिक प्लान को डाइवर्ट नहीं किया गया है। एक टीम को गठित किया गया है, जिससे सभी घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। SP ने बताया कि वर्तमान समय में ड्रोन उड़ाने के लिए मौजूदा समय में मनाही की गई है। ऐसे में किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पुलिस व्यवस्था के हिसाब से जो एयरपोर्ट से लेकर वेन्यू तक और जो भी इनके लोकल प्रोग्राम्स निर्धारित किए गए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि पे हमने अपने टीम्स को एक्टिवेट कर दिया है पूरे डिस्ट्रिक्ट के इंक्लूड करके, और एक्सटर्नल फोर्स जो हमने बाहर से रिक्विजिशन करी है उनको मिला के करीब 500 पुलिस के ऑफिसर्स और जवान इसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। और इसमें हमने किसी भी प्रकार का ट्रैफिक डाइवर्जन या इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, और नॉर्मल जो ट्रैफिक है उसको हमने रन करने का हमारा प्रयास है, और सिर्फ माइनर हॉल्ट्स अगर रिक्वायर्ड होगा तो उस पर मौके के हिसाब से जो है उसकी कार्रवाई करेंगे। कुछ लोग जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने की एक अलग टीम बनाई गई है, ताकि किसी प्रकार की जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हो या कोई और घटना हो उससे हम बचें, और उसको सर्विलेंस के मोड से जो है डील किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक के सहयोग से और आप सभी के सहयोग से ये समिट जो सक्सेसफुली हम कंप्लीट करेंगे, और धर्मशाला का एक अच्छा मैसेज जो है जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं उन्हें यहाँ से एक अच्छी मेमोरी जो मैसेज की जाएगी। मैम, कितने अतिरिक्त पुलिस जो है यहाँ पे तैनात की गई है? जैसे मैंने बताया, करीब 350 जो अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो डिफरेंट यूनिट्स से धर्मशाला में आए हैं, और इसके अलावा हमारे जो लोकल यूनिट्स हैं कांगड़ा पुलिस की जो टीम है वो एक्टिवेट, और टोटल कुल करीब जो है 500 के करीब जो अधिकारी व्यवस्था। जैसे कि आपने कहा कि रोड मैप जो है वही रहेगा, डाइवर्जन किसी प्रकार का नहीं रहने वाला है, तो रोड मैप को किस तरह से तैयार किया गया? देखिए, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, और मैं आपके माध्यम से भी वही कहना चाहूँगी, कोई नॉर्मल जो ट्रैफिक डाइवर्जेंस किसी प्रकार के या कोई नए वन वेज या नो ट्रैफिक जोन डेजिग्नेट नहीं किए हैं, एक्सेप्ट सिर्फ जो रूट है हमारा और जहाँ पे कंजेशन है वहाँ पे जो आइडल पार्किंग है उस गतिविधियों पर हम नज़र बना के रखें, और जो सेफेस्ट पॉसिबल है, और सिचुएशंस के हिसाब से जो सिक्योरिटी और अन्य जो हमारे कंसर्न रहते हैं इस तरह की, उसमें उनको ध्यान में रखते हुए रूट जो है फाइनल किए गए। ड्रोन उड़ाता हो कोई व्यक्ति जो है उस एरिया में पाया गया, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए देखिए, जो हमने DC ऑफिस रिक्वेस्ट की 9 जोन डेयर करने के लिए, जो हमारे रूट है उसको 9 जोन जो है डिक्लेयर किया, कोई भी ड्रोन जो गतिविधि है एक्सेप्ट सिक्योरिटी एजेंसी उसको अलाउ नहीं किया जाए, यदि कोई इसको ब्रीच करता हुआ मिलेगा तो ड्रोन सीजर और अन्य जो लीगल प्रोसीजर है उसके तहत होगा इसमें कार्रवाई। देखिए, ये सरकारी संपत्ति है, और सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाना जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसमें एक स्पेसिफिक एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हमारे जो न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं, जिस तरह के मिसचीफ करने वाले लोग हैं, जिस तरह का मिसचीफ शहर में होता है या तो इस एरिया में होता है, तो उसको लीगली हम डील करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जनरल पब्लिक इस तरह की कोई मिसचीफ या इस तरह की कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने एरिया में आसपास देखते हैं तो हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत जो है जानकारी दे सकते, और जैसे पहले का पब्लिक के सहयोग से और आप सब सहयोग से हमें उम्मीद है कि ये इवेंट जो है सक्सेसफुली और धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छा नाम बना के यहाँ से फॉरेन डेलीगेट्स और जो भी अन्य हमारे नेशनल डेलीगेट्स आए हैं अच्छी मेमोरीज के साथ। धर्मशाला में G20 सम्मेलन हो रहा है, तो किस तरह की पुलिस व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा और काफी इंतजाम क्या रहेगा? जैसे कि सबको पता है ये धर्मशाला में अगले कल जो है कॉन्फ्रेंस जो है G20 समिट का एक पार्ट जो है, थ्रू आउट कंट्री डिफरेंट जगहों पे कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स हो रही है, उसके तहत ही धर्मशाला में कल जो है ये एक कॉन्फ्रेंस जो है निर्धारित की गई, जिसमें G20 नेशंस के जो डेलीगेट्स हैं और इंडियन जो
मिनिस्ट्री और अन्य जो संबंधित विभाग हैं उनके ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार के साथ सुनील समियाल की रिपोर्ट।